निर्वाचन आयोग की तरफ से ग्राम प्रधान के लिए 50,000 रुपए खर्च करने का सीमा बनाया गया, वहीं जिला पंचायत सदस्य के लिए लगभग 1,00,000 रुपए खर्च करने का जो सीमा है वो बनाया गया है। लेकिन आप इनका कार्यालय देख के ये डिसाइड कीजिए कि ये खर्च कितने के होंगे और कैसा फंड आ रहा है। ये अपना आ रहे लोग, इन्हें कोई खर्चा नहीं आया। अच्छा। ये सब सेवक है, सब अपना पैसा लगा रहे, अपना कर रहे काम। और ये जो बच्चे हैं अभी किसी और प्रत्याशी के लिए नारे लगा रहे थे और दूसरे कार्यालय पे आए तो इनका नारा भी चेंज हो। लेकिन आपको पता है प्रधान पद के उम्मीदवारों का जो खर्चे का जो सीमा है वो 50,000 रुपए लगभग है, तो उससे ऊपर लग रहा होगा खर्चा। ऐसा है ना, सब अपने वोटर को खींचने के चक्कर में बैठे हुए हैं। मैं खींच लूँ सर, कोई दुकान है क्या ऐसे हाथ पकड़? हाँ, ऐसे ही तो हो रहा है। तो ये होटल कब तक चलेगा फिर? ये लगभग 26 तक चलेगा, जब तक होटल लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रत्याशी भी महिला है, महिला सीट है प्रधान का, लेकिन अब तक तो सर दिखा नहीं कई पोस्टर्स में महिलाओं का। महिला खुशनुमा लिखा हुआ, खुशनुमा लिखा। क्यों घूम रहे हो तुम लोग, क्यों घूम रहे हो? क्या खाने के लिए? बर्फी। बर्फी खाने के लिए घूम रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अक्सर आप कैंपेन देखे होंगे, लेकिन अभी हरिद्वार में पंचायत चुनाव चल रहा है और लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पे 10 से 15 कैंप कार्यालय बनाए गए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव ही नहीं, पंचायत चुनाव में भी प्रत्याशी जोर शोर से उतरते हैं और जो लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिलता है। आपको मैं बता दूं कि निर्वाचन आयोग की तरफ से ग्राम प्रधान के लिए 50,000 रुपए खर्च करने का सीमा बनाया गया, वहीं जिला पंचायत सदस्य के लिए लगभग 1,00,000 रुपए खर्च करने का जो सीमा है वो बनाया गया है। लेकिन आप इनका कार्यालय देख के ये डिसाइड कीजिए कि ये खर्च कितने के होंगे और कैसा फंड आ रहा है। हम इन तमाम लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे भी कि किस तरह की तैयारी है पंचायत चुनाव, जो कि सबसे छोटे स्तर की सरकार मानी जाती है, जो सीधे गांव के लोगों से जुड़ा होता है। हम इन तमाम लोगों से बात करके आपको बताएंगे। चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से। चारों तरफ कार्यालय ही कार्यालय दिख रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि पूरे उत्तराखंड में बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है, लेकिन चुनाव एक्चुअली सिर्फ हरिद्वार में ही है, वो भी पंचायत चुनाव। चुनाव कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा, चुनाव चुनाव होता है जी, और चुनाव चुनाव का सम्मान करना चाहिए। और ये जो चुनाव चल रहे हैं, ये हरिद्वार से जिला पंचायत चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव, ग्राम मतलब ग्राम प्रधान के चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपने एक बात कहा, चुनाव का सम्मान करना चाहिए। सम्मान किस लिए करना चाहिए? सम्मान इसलिए करना चाहिए कि लोकतांत्रिक है, इसमें सबका अधिकार है वोट डालने का। हाँ। क्या क्या मेला लगा है क्या जी? पप्पू बहुत माल करवा रहा है। पप्पू पकड़। अरे मेरी बात सुनो, मेरी अरे बात सुनो पहले बात सुनो। तुम तो अभी छोटे बच्चे हो तुम सारे, वोट देने का अधिकार भी नहीं है, समझते हो चुनाव क्या होता है जी? चुनाव मतलब पप्पू जीत रहे। अरे सुनो, कोई भी जीते हारे, चुनाव है क्या ये जानते हो? और क्यों घूम रहे हो तुम लोग, क्यों घूम रहे हो? क्या खाने के लिए? बर्फी। बर्फी खाने के लिए घूम रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि इस बड़े से होर्डिंग्स को जरूर दर्शकों को दिखाएं, और आप ये भी बात जान ले कि ये कोई लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं है, उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये कहानी देखने को मिल रहा है क्षेत्रों में। लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स के साथ अपने चेहरे को चमकाने में भी कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। हालांकि जनता का विश्वास कौन जीत पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। हम चाहेंगे कि इस तस्वीर को दिखाएं, और हम अभी जोरासी जबरदस्तपुर जो जिला पंचायत सीट है उसके गाँव का नाम है नगला इमरती जी, उसे प्रधान पद की दावेदारी है। बस ये उसमें भी प्रधान पद की ही दावेदारी है, और जो आप पोस्टर्स देख सकते हैं, हीना नाज प्रधान पद की भावी उम्मीदवार, हर कोई बता रहा कि मैं भावी उम्मीदवार हूं, लेकिन असल उम्मीदवार कौन है, कौन जीत के आएगा, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। हम अभी आपको इस आधे किलोमीटर की दूरी में जितने भी कार्यालय हैं सभी कार्यालयों का रिपोर्ट्स अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये लोग तैयारी में जुटे हैं और कितना ये लोकतंत्र के पर्व को महान बनाने में, और ये लोग
जो जुटे हैं उन दृश्यों को भी हम दिखाएंगे। मेरा ये सवाल है कि हमने देखा है कि विधानसभा लोकसभा के चुनाव में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, लोग जो है बहुत बड़े स्तर से प्रचार करते हैं, लेकिन आपके समर्थक तो छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं। ये बच्चे की तो महंगाई होती है, सब बच्चे से आदमी बड़ा होता है। अच्छा, और क्या इनकी तो जो कुछ है ये सब कुछ इनका इनका समर्थन लेके क्या होगा, ये तो वोट देने का अधिकार। अरे ये नहीं है, इनके बड़े तो है ना, इनकी दुआ चाहिए, इनसे तो चलेगा सारा काम। अच्छा, और क्या, वो बड़े तो होते ही है सब। तो ये लोग कह रहे हैं कि बर्फी खाने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, बर्फी कहाँ यहाँ, चलो कोई बात नहीं, बर्फी खिलाएंगे इनको, कोई बात नहीं, ये तो बहुत है। आप ये बताइए कि आपसे अगला प्रश्न यही है, किस पद के लिए आप लोग दावेदारी कर रहे हैं? प्रधान, ये हम क्या, हमारे जो लड़की ना, मतलब भाभी है, वो लड़के की घरवाली है, वो लड़ रही है। अच्छा, आप उनके प्रतिनिधि हैं? ना ना, उनके ससुर जी हमारे लड़के की है ना। आप समर्थक हैं? जी जी, समर्थक हैं। अच्छा, तो क्या मुद्दा है, किस पर आप लोग चुनाव में आए? मुद्दा तो यही है, गाँव का विकास है, और क्या है, अपने छोटे गरीब लोगों का काम करना है, अपना करना है, यही चीज़। और तो कोई खास मुद्दे यहाँ पे हैं नहीं, नाले नुले हैं, जोड़ है, इनकी सफाई होनी है बस। ये चुनाव लड़ने में, समर्थक जुटाने में खर्चा भी मोटा मोटी लग रहा है। अपना आप आ रहे लोग, इन्हें कोई खर्चा नहीं आया। अच्छा, ये सब सेवक है, सब वो अपना पैसा लगा रहे, अपना आप कर रहे काम। अच्छा, कोई सब वैसे ही आ रहे अपनी तरफ से। अच्छा, मैं किसी को नहीं बुला रहा, सब अपना आप आ रहे हैं लोग, इनको पता है कि आदमी जो है ना, ये भाई ठीक है ये आदमी। तो ये प्रचार को बेहद, मतलब बड़ा बड़ा पोस्टर्स लगाना, मतलब छोटा सा पंचायत चुनाव है, लेकिन आप लोग बहुत, हम देख पा रहे हैं बहुत सारा कार्यालय है इस रोड में, इसको कैसे देखते हैं आप? अरे ये तो मेला लगा है यहाँ पे, तो मजा ही है, ये तो मजा है। अच्छा, यही मजा है? और यही तो मजा, तो है। मजा दिलाने के लिए पोस्टर्स लगे? नहीं नहीं, पोस्टर ही सबको, आप लोगों को जो ना मजा आया आप लोगों को देखने में, भाई यहाँ गांव में इलेक्शन हो रहे हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि आधे किलोमीटर की दूरी में ही कई सारे कार्यालय हैं और दावेदार हैं ये लोग प्रधान पद के। अभी मैं 5 कदम पिछले कार्यालय से चला होगा कि हमें अगला कार्यालय भी दिख गया, ये लोग भी प्रधान पद की दावेदारी कर रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं, अभी किसी और प्रत्याशी के लिए नारे लगा रहे थे और दूसरे कार्यालय पे आए तो इनका नारा भी चेंज हो गया। खैर, खैर, मेरा नाम मुर्सलीन है, ये हाजी मुर्सलीन। हाजी मुर्सलीन जी, आप ही प्रत्याशी हैं क्या? कौन है? लड़का, आपके लड़के हैं। तो आप लोग किस मुद्दे पर आ रहे हैं? देखो, अभी ऐसा है, जब हमारा लड़का आ जाएगा, सब मुद्दे वही बताएगा आपको, सब कुछ वही बताएगा। अच्छा, वो तो ठीक है, बताएंगे, आप भी तो जानते होंगे ना कि क्या समस्या है। जाना भी थोड़ा, मेरी तबीयत खराब है। अच्छा, हाँ, मैं इसलिए कुछ बोल नहीं सकता, वही आगे तो बता दें, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मेरे बड़े हेमरेज हो गया था, तो थोड़ी तबीयत आज खराब हो। चलिए, कुछ और लोग से बात करते हैं। आप बताइए जी, बताइए उनसे करो बात, पहले समर्थन किसको कर रहे हैं? ये जहाँ बैठे समर्थन निकलेंगे, जहाँ बैठे समर्थन निकलेंगे, जो बैर को। अच्छा, वो ठीक है, लेकिन ये जो कार्यालय बना के लोग बाग कह रहे हैं कि दावत चल रही, इस पर क्या कहेंगे? मैं बेचारा कर रहे करते हैं लोग बाग सभी कर रहे हैं, तो यही कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है प्रधान पद के उम्मीदवारों का जो खर्चे का जो सीमा है वो 50,000 रुपये लगभग है, तो उससे ऊपर लग रहा होगा खर्चा? पड़ जाएगा, पड़ जाएगा। चाय पानी के हाथ चंपा और हम भी कोई किताब पर चाय चाय पानी चाय पारे। आप बोलने दीजिए इनको। हाँ, और क्या बुलवाए हमसे आप? बताइए क्या पूछे हम? एकदम भंडारा टाइप चल रहा है, बड़े लोग शोक खड़े हैं, अब चुनाव है बस प्रधान का। पहले प्रधान रह चुके इसलिए खर्च कर रहे हैं ज्यादा। चलिए आप बताइए, आप लोग बताइए। तो ये सबसे पहले तो ये बताइए, इतना कार्यालय हम लोग देख के ही कंफ्यूज हो गए, आप किसके समर्थक हैं? हम अपने जुबर भाई के समर्थक हैं। हाँ जी। अच्छा, समर्थक हैं, आपके प्रत्याशी कहाँ हैं? प्रत्याशी हमारे राउंड में, गाँव में जा रखे हैं, राउंड में घूम रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं इतने सारे, इनको देख के उत्साहित हो रहे हैं क्या प्रत्याशी? ये सब बच्चों का प्यार है। अच्छा, और इंशाल्लाह आगे बरकरार रहेगा। अरे, बच्चों का प्यार तो बस कहने के लिए, वोट तो नहीं दे सकते ना? जैसे ऐसे नहीं, वोट इनके भी है, जब ये जाके अपने घर परिवार में बताएंगे तो ऐसा नहीं है, इन बच्चों से भी शुरुआत है हमारी, ऐसा नहीं है जी। ये तो कह रहे थे कि लड्डू खाने आए हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है, और बाकी इनका वो भी आगे खाने का, ऐसा नहीं है भाई। क्या कह रहे हैं? ये तो लड्डू खाओगे छोड़ देंगे क्या, ऐसे 24 घंटे खाने वाले, इन्हें क्या कहो आप? अरे हो गया, धक्का मुक्की नहीं करना है। और आप बताइए, ऐसा होता था कि विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो प्रत्याशी बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार करते थे, अब प्रधान पद के लिए भी इतना जोर तोर से प्रचार करना, कैंप कार्यालय बनाना, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना,
कैसे देखते हैं आप इसको? जी तो देखो, जब चुनाव होता है तो चलता ही है, दावत भी चलता है, सब चलता है, दावत भी चलती है, हाँ सब कुछ होता है चुनाव में। तो आप समर्थक हैं? हाँ जी, समर्थक हूँ। पहले दावत लोगे या जीत के बाद दावत? क्या? जीत से पहले दावत लोगे आप या बाद में दावत लोगे? नहीं, मेरी हम तो खुद उम्मीदवार है जी। अच्छा, आप किस पद के उम्मीदवार हैं? जुबेर भाई का भाई हो। अच्छा, वो उम्मीदवार है तो आप समर्थक हैं। चलिए, आप बाद में भी दावत लीजिए, पहले भी दावत लीजिए, बताइए कैसा चुनाव का माहौल चल रहा है? चुनाव का बढ़िया चल रहा है। आप किसके समर्थक हैं? मुसलिन के। उसके? अरे हम लोग तो कंफ्यूज हो गए हैं। इस आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे बहुत सारे कार्यालय हैं, तो हम लोग एक्चुअली कंफ्यूज हो गए। ऐसा है ना, सब अपने वोटर को खींचने के चक्कर में बैठे हुए हैं। मैं खींच लू सर। कोई दुकान है क्या ऐसे हाथ पकड़? हाँ, ऐसे ही तो हो रहा जी, ऐसे ही चल रहा काम। वो सब कोई सोच रहा मैं उससे जाता। वो स्टेशन साइड नहीं होता कि हाथ पकड़ के आरजी मेरे होटल में आ जाओ? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही हो रहा जी फिलहाल। ऐसे ही है? हाँ ऐसे ही है फिलहाल। तो कैंडिडेट हर अपना मतलब ऑर्डर बनाने के लिए सब कुछ फंडा अपना रहा, बाकी ऑर्डर सब सेट है अपनी जगह, लेकिन वोट जहाँ देना है वो कर सब बंदों के दिल में है, वोटर सब अपने दिल में रख रखा। हमारे पास परिवार के 600 किसको वोट देना है? और जुबेर भाई। तो ये होटल कब तक चलेगा फिर? ये लगभग 26 तक चलेगा, जब तक वोट डलेंगे 25 तक के, 26 में वोट डलेंगे, 28 में डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर जीतने वाला कैंडिडेट देखेगा। अभी तक तो आप कस्टमर को जबरदस्ती बुला रहे हैं, बाद में वो आपको बुलाएंगे तब आप लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम 5 साल पहले प्रधानी कर चुके हैं, पूर्व प्रधान रह चुके हैं, पहले भी बहुत अच्छी प्रधानी करी है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी दिलचस्प ये भी है दोस्तों कि इनमें से प्रत्याशी कोई नहीं है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी हैं, ये भी दिलचस्प है। सब लोग खुद को चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग मिलकर लड़ रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। और क्या कह रहे हैं आप? अजी कहना है कि आप ही प्रत्याशी हैं क्या? सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस आधे किलोमीटर के डिस्टेंस में हम लोग उसमें भी यही बोले, हमें कई सारे कार्यालय देखने को मिले, इसलिए हम लोग खासकर यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए रुक गए। तो हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? वैसे तो ये कार्यालय जो है ना, ये कोई BDC के साथ, कोई BDC के भी हैं, एक आधा प्रधान का कार्यालय लग रहे गाँव में, ऐसा अक्सर होता, तो ये कोई बात नहीं है। और हम प्रधान, हमारा लड़का जुबेर जो वो प्रधानी के उम्मीदवार है। हाँ, यहाँ महिला प्रधान है, ये नहीं है, ये बड़ा भाई इनका महिला प्रत्याशी, बैकवर्ड महिला है, खुशनुमा नाम है, लेकिन पर्चा जिसका भी 2 पर्चे भरे हुए हैं हमारे। अच्छा 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 अच्छा, प्रत्याशी भी महिला है, महिला सीट है प्रधान का, लेकिन अब तक तो सर दिखा नहीं कई पोस्टर्स में महिलाओं, महिला खुशनुमा लिखा हुआ, खुशनुमा लिखा है, पता नहीं जुबेर खुशनुमा लिखा हुआ, तो तस्वीर नहीं लगेगी, नाम ही काफी है, तस्वीर की जरूरत नहीं है। बात सुनो मेरी, बच्चे के मुँह पे है जुबेर का नाम, तो और मेहनत बहुत हो रही है। आप पहले ये बताइए, ठीक है बच्चे के मुंह पे है, लेकिन बच्चे वोट करेंगे नहीं, खैर वो अलग बात है, लेकिन मेरी बात सुनिए, बात है कि महिला के लिए रिजर्व किया गया सीट, ठीक है, तो आप लोग महिलाओं के हाथ में नहीं सौंपना चाहते क्या? बस पुरुष ही पीछे से चलाएंगे? नहीं, महिला ही चलाएगी, महिला का ही काम है, सरकार ने महिला को ही वो दिए, आगे करा है, महिला ही काम करेगी, पढ़ी लिखी महिला है, सब वही काम करेगी, तो मतलब साथ तो लगना ही लगता है उसकी आदमी, लेकिन करेगी महिला है, सब कुछ काम भी महिला ही करेगी, बहुत मुद्दे हैं हमारे। तो नहीं है बैठक में आप जाके बैठे? नहीं, कैसा नहीं होगा, एक बैठक है, किसी की कोई मतलब नहीं है, चुना जाएगा वही बैठक है वहाँ जाके, और बहुत मुद्दे हैं हमारे गाँव के, बिजली के, पानी के, सफाई के, मकानों के, गरीबों के, सब वो सब मुद्दे हमारा जो महिला चुनी जाएगी। अभी 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 सर कह रहे थे कि तबीयत ठीक नहीं है, और देखिए कैसे तबीयत है, तब भी तो अभी ठीक नहीं है, वो तो आपके जब बोलना पड़ता, और आप आराम से आइए मेरे पास, अभी 2-3 दिन के बाद फिर आपके लिए अब मैं बुलाऊंगा आपको, और जब पूरा इंटरव्यू दिया जाएगा आपको। जो कह रहे हैं गाँव के लिए सम्मान होगा, ठीक है, और हमें जो कह रहे हैं ना, एक हम नहीं दूसरे ठेके पे बैठ गए जाके, अपने ठिए ही रहेगा हमेशा। ये कुछ लोग अभी अभी आपके आने से पहले ये कह रहे थे
ये तो जी होटल जैसा हो गया है, लोग बाग को ऐसे खींच रहे हैं, मेरे पास आके बैठो, मेरे पास आके बैठो, ऐसा नहीं है। ये तो अभी ये मेले की तरह चल रहा है, जिस तरह मेला है ना, मेले में एक किया एक दूसरा, ये तो मेला ही बताएगा, कोई कुछ बताएगा। मेला और स्टेशन साइड्स के दुकान जैसा यहाँ तस्वीर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि जो प्रधान पद के उम्मीदवार है उनको 50,000 उनकी सीमा बनाई गई है चुनाव में खर्च करने के लिए। जिला पंचायत सदस्य के भी 1,00,000 रुपये तक वो खर्च कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्राउंड्स के जो धरातल के रिपोर्ट हैं वो कुछ अलग ही कहते हैं। और दूसरी बात ये भी आपको बता दें कि ये जो प्रधान का सीट है वो महिला आरक्षित है। महिला आरक्षित होने के बावजूद महिलाओं का चेहरा कहीं ना कहीं पोस्टर्स बैनर से गायब भी दिख रहे हैं। धन्यवाद, ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।